अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आई हुई थी डैडी के घर और अभी मैं आई थी 4 बजे। तो यहाँ पर हो गया है चाय का टाइम, तो मैं तो खाना खाकर आई थी और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ आंटी के क्या बना हुआ है। बनी हुई है कढ़ाई, मैं आपको इस हाथ से दिखाती हूँ, जो कि जब मैं आई थी ना तो ये भुन रही थी, उतने मज़े की खुशबू आ रही थी इससे, मैं आपको क्या बताऊँ। आपको देखने से भी लग रहा होगा अदरक और हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन जो आता है ना। अच्छा, हम लोग क्या थोड़ा रोटी के साथ खाया जाता है, अभी सभी क्या रोटी के साथ खाया जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ना सालन ग्रेवी रखते हैं। तो आप लोग शायद बोले कढ़ाई के साथ सालन नहीं होता, तो थोड़ा सा रखा जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी चाय और साथ में मैं कर लूँगी पापड़ फ्राई। तो मैं यहाँ पे स्टोव को ऑन कर लेती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर जो है ये निकाल लिए हैं पापड़, और ये थोड़े इतने साइज़ के होते हैं, आपको पता है बच्चे जो है ना वो पूरे खाते नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसके जो है ना कर लूँगी 4 पार्ट्स, इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लूँगी। तो ये है कि अगर बच्चे 1 से 2 खाना चाहेंगे तो खा लेंगे, और इससे ये है कि हमारे ये ज़ाया भी नहीं होंगे। तो मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ कि ये जो है ना मूंग दाल पापड़ बहुत फ्रेश आए हुए हैं, ये रमज़ान के एंड वाले अशरे में आए थे, तो ये रखे हुए ही हैं, जब से फ्राई नहीं हुए थे तब इनको खर्च तो करना है। और ये चाम की चाय के साथ काफ़ी अच्छे लगते, तो मैंने सोचा मैं फ्राई कर लेती हूँ, और बल्कि आंटी ने ही बोला था तो ऐसे यूटिलाइज़ भी हो जाएंगे। तो ये मैंने कर ली है, अब मैं सबको फ्राई कर लेती हूँ। हेलो जी फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग को जैसा कि पता आई हुई थी डैडी के घर, तो यहाँ पर जो है मेरा भाई ईद पर अपना जो ईद का कुर्ता लेकर आया था वो लेकर आया था MTJ यानी मौलाना तारिक जमील के आउटलेट से, और उसने एक परफ्यूम भी दिया था सईद गनी का। तो मैं आप लोग को ये शो करा देती हूँ, तो आप में से अगर कोई ये लेना चाहता है तो डेफ़िनेटली ले सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ईद वाला तो उसने पहन लिया है, ये है उसने वैसे ही ले लिया था क्योंकि ये उसको मिला था सेल में से। ये क्या है, ये तो है रसीद, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, वैसे तो जेंट्स की शॉपिंग देखने पे इतना ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता नहीं है, बट ये होता है कि अगर किसी ने अपने भाई को अपने जो है हस्बैंड को गिफ्ट करना है तो समझ नहीं आता, तो आप ले सकते हैं। तो पिछले दिनों ना वहाँ पे सेल लगी हुई थी 50% ऑफ़, तो ये था 7,500 का शलवार कमीज सूट था स्टिच, तो ये उसको मिला है 3,500 का 50% ऑफ़ पर। तो उसके कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मैं आप लोग को ओपन करके भी दिखाती हूँ क्योंकि ऐसे ना समझ में नहीं आता है, देख फुल ओपन देखो ना तो समझ में आता है। तो ये देखिए, तो ये देखें फ्रेंड्स, ये इसका कलर है, ये देखिए ये है कौन सा कलर कराएगा, ब्राउन कलर तो है लेकिन ये कैमल ब्राउन कलर है। और इसके आप बटन देखें, ये देखें बटन की जो है ना है तो सिंपल लेकिन इसके कितने खूबसूरत है इस तरह से। और इसका ये वाला कॉलर है, ये देखें यहाँ पर इस तरीके से डिटेलिंग हुई हुई, और यहाँ लिखा हुआ इसने मीडियम साइज़ लिया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारी रिवायत हमारा लिबास, तो ये उसको काफ़ी अच्छा लगा था। और यहाँ पर ये उनका मोनोग्राम भी है, और इसके प्राइस ये देख लें 7,490, वही 7,500 का था, तो ये 50% ऑफ़ पे इसको 3,500 का मिला। तो ये देखें ये इस तरीके से इसमें, अच्छा जो दूसरे उसका जो ईद वाला था ना वो पजामे के साथ सूट था उसने लिया था, और ये वाला जो है ना शलवार के साथ, तो शलवार उसको इतनी पसंद नहीं आती कम, लेकिन इसका कपड़ा इतना अच्छा है, ये पूरा ये देखें इतना सॉफ्ट है, कोई इसमें अकड़ापन ज़रा सा भी नहीं है कि अकड़ापन हो। अच्छा, और ये देखें इसकी, ये तो मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके से इसका फ्रंट है, ये कॉलर है, और मैं इसकी स्लीव्स दिखा दूँ आप लोगों को। ये देखें इसकी स्लीव्स है, और स्लीव्स पे भी देखें वही, और यहाँ पे वही आप अपना लगा सकते हैं, ये बटन भी दिए हुए हैं, और ये देखें यहाँ पर भी ना यही वाली डिटेलिंग करी गई है जो कॉलर पे की गई है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो मैंने अभी तो मुझे नहीं पता कि सेल है या नहीं, लेकिन जब सेल थी तो काफ़ी अच्छा मिल गया, और कपड़ा इसका नो डाउट बहुत 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 ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका ना।
अच्छा जी, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ ये चीज़। ये उसने लिया है सईद गनी के आउटलेट से, और ये जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसने लिया था परफ्यूम, ठीक है। तो आपको पता है कि पिछले साल उसने जे डॉट का लिया था, इस बार इसने ये वाला लिया है। अच्छा, तो इस परफ्यूम का नाम है हैदर, और आई थिंक ये आप में से बहुत से लोग इससे नोहा होंगे, आप लोग जानते होंगे कि ये जो है सईद गनी का परफ्यूम है, इसका बॉक्स जो है वो खो गया है, तो ये लगा रहा है वो। इसकी जो स्मेल है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, जब आप लोग लेंगे और यूज़ करेंगे ना तो आप लोग ख़ुद मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब वो जो है ना परफ्यूम के मामले में बहुत चूज़ी है। तो आई थिंक बहुत से जेंट्स होते हैं तो इतनी कोई हसीन और इतनी ज़बरदस्त खुशबू है ना उसकी, सबसे बड़ी बात ये लॉन्ग लास्टिंग है, 15 आवर्स आराम से लास्ट करता है। उसने ईद में लगाई थी कुर्ते में, तो उसने नेक्स्ट डे जब चेक करा तो हल्की हल्की सी आई थी, वैसे ब्राइट तो नहीं थी लेकिन थी, ऐसा नहीं था कि ख़त्म हो गई थी। तो ये पिछले साल तक था हैदर परफ्यूम 2500 का। इस साल इस परफ्यूम की जो है ना क्या कहेंगे प्रमोशन और जो करा है ना इसके बारे में जो डिटेल्स बताई हैं, वो जो हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर हैं इरफान जुनेद जो, उन्होंने करी है। तो अब ये परफ्यूम मिल रहा है 4000 का, कहाँ 2500 का और कहाँ 4000 का, लेके नो डाउट इतना ज़बरदस्त इसकी स्मेल है। आप लोग अगर देना चाहते हैं ना अपने हस्बैंड को, फियांसी को, भाई को, किसी को भी वॉट एवर, तो आप लोग एक बार भले लेना लें लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसकी स्मेल, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, यकीन कीजिए। इसकी स्मेल ऐसी है ना, बहुत तेज़ है ना बहुत लाइट है, मतलब हर एक को पसंद आएगी, जैसे कहते हैं ना ऑयली स्किन होती, सबको पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर लीजिएगा ज़रूर, और आप लोग फिर मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये परफ्यूम कैसा लगा।